Morning class, welcome back in your English language class. So today we are going to complete in English language chapter number 8, countable nouns and uncountable nouns. Okay, so before starting the chapter, we should know about the definition, we should know about the meaning of countable nouns and uncountable noun. You can understand by the names also. नाम से ही आपको पता चल रहा है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ काउंटिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल वो जो काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है, एबल टू काउंट, एंड द अनकाउंटेबल नाउंस आर दोज हु अनएबल टू काउंट. ओके, लाइक द यू कैन सी इन द फर्स्ट नंबर पिक्चर, काउंटेबल नाउंस आर नोन विच कैन बी काउंटेड, लाइक अ डॉग, बुक्स, एप्पल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. नाउ uncountable nouns are nouns which cannot be counted, like floor, water, cereals and many other things. Okay, so this is a definition of countable and uncountable. Now today I'll show you some examples of countable and uncountable. Now like countable, like eggs, bananas, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, ऑलिव्स, फ्राइज, बर्गर, हॉट डॉग, एप्पल्स, कैरेट, टोमेटोज, वाटरमेलन, दीज आर सम एग्जांपल्स. ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं. बट जो अनकाउंटेबल्स हैं, लाइक मिल्क, फ्लोर, साल्ट, शुगर, जैम, मीट, राइस, हनी, टी, चीज़, ये अनकाउंटेबल. अगर हम आपसे कहें कि क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हो, बताइए कितनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर्स हैं, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है. राइस को काउंट नहीं कर सकते हम, शुगर को काउंट नहीं कर सकते. तो दीज आर द अनकाउंटेबल नाउंस. ओके, अच्छा, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 9, सॉरी. नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आई नीड वाटर, नीड वाटर, आई नीड वाटर, ठीक है. जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का जो यूज़ हुआ है यहाँ पे, आपका सेंटेंसेस में हुआ है, लाइक आई नीड वाटर, गिव मी सम एप्पल्स, ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, रीता इज़ वेयरिंग अ न्यू पेयर ऑफ शूज़. तो द वर्ड्स वाटर, एप्पल, मिल्क एंड शूज़ आर कॉमन नाउन्स. ये सब कॉमन नाउन्स हैं, एंड एज यू नो दैट, अगर प्रॉपर नाउन होता है तो वो कैपिटल से ही स्टार्ट होता है और वो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं. ओके, so now we shall ask ourselves the following questions and write the answer. So can we count water? No. Can we count the number of apples? Yes, 1, 2, 3, 4, 5. Now can we count milk? No. Can we count pair of shoes? Yes. Okay, now the next number example. We can count the apples and the shoe and the hands. They are countable nouns. We can count water or milk, hands. They are uncountable nouns. Okay, please, I'll do the exercise next week. Till then, you revise this chapter. Thank you so much.